कहूंगा, अगर हम और आप गैरत में है, अगर थोड़ा सा भी आत्मसम्मान हमारे अंदर जिंदा है, या थोड़ी सी भी अपने पूर्वजों की लाज को जिंदा रखना है, तो एक एक व्यक्ति को इकट्ठा जाना चाहिए और अपनी ताकत का मुजाहरा उस 5 तारीख को करना चाहिए। 5 तारीख को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय जयंत चौधरी जी को, भीम आर्मी के चीफ को, बहन जी के समर्थकों को, अलग अलग विचारों के लोगों को, अलग अलग विचार के लोगों को, चाहे वो किसी जाति वर्ग का है, सैनी है, कश्यप है, पाल है, जोगी है, प्रजापति है, दलित है, वाल्मीकि है, मुसलमान है, जाट है, ठाकुर है, पंडित है, कोई किसी भी राजनीति, हर एक व्यक्ति का धन्यवाद करिए जो आपके साथ खड़ा है और इकट्ठा मिलकर एकजुट होकर। मैं तो चांदसमंद के लोगों को कहता हूं, अरे आप तो गेट बना दे दो के लाख के, क्यों कौन सा ऐसा शहर है जहां पर चांदसमंद के लोग काम नहीं कर रहे? अच्छा बता दो, क्या मेरठ में नहीं है, क्या मुजफ्फरनगर में नहीं है, क्या बताओ रुड़की में नहीं रह रहे? सही बात बताओ ना, सही बात। क्या दिल्ली में नहीं रह रहे, क्या नोएडा में नहीं रह रहे, क्या नौकरियों से लेकर व्यापार से लेकर सब लोग आपके लिए खेती तक नहीं करते? तो आपका प्रोग्राम एक दिन इतना बड़ा होना चाहिए यहां पे चांदसमंद में कि पूरी विधानसभा के लोगों को लग जाए कि एक नाके में जाएंगे, एक नाके में। इसलिए तैयारी करो नौजवानों, 5 दिन बाद 7 दिन बाद प्रोग्राम रखो और चांदसमंद के नाम से सब गांव में जाओ, रिक्वेस्ट करो। अरे पूरा चांदसमंद ही निकल जाएगा तो 5000 आदमी तो चांदसमंद के खड़े हो जाएंगे वहां। क्या बात सही है गलत है? मैं तो मंत्री जी से मैं बात करता हूं, ऐसे नहीं है कि भाई मंत्री है सरकार के बात नहीं, हमारी बात होती है। लेकिन जो दूसरे व्यक्ति ने हमें फोन किया, हमने उनसे कहा कि एक आप भाषण और ऐसे ही करा दो तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस गांव में जाओगे प्रसाद जनता वही देगी, एक आध भाषण और करा दो ऐसे ही, और बराबर 1 साल बाद चुनाव है फिर लोकसभा का, जवाब जब भी पूछेंगे। और मैंने उनसे कही मका बहुत बिरादरी के नाम से विधायक मंत्री बने बैठे हो तुम लोग, ये ध्यान रखना एक तो जगह चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारी पोल खोलूंगा रुक के रहने के, इस गलत फहमी में मत रहना।